हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल टाइगर्स वर्सेस ब्रिगेड के बीच में होने वाला मैच के बारे में। और ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी यहाँ पर 2.5 घंटा बाकी है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बेस्ट विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर्स देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो रॉयल टाइगर्स वर्सेस ब्रिगेड के बीच में ये मैच होने वाला है। और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 3:30 बजे शाम को खेला जाएंगे। और ये 7th T10 मैच है बैट टू बॉल यूरोपियन क्रिकेट लीग का। और ये मैच काटामा ओवल स्पेन में खेला जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद पिच रिपोर्ट, सारे प्लेयर्स की स्टैट्स आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट विद एसी सर्च करना दोस्तों। 1305 सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लेना। एक और बात है दोस्तों, टेलीग्राम पे जाके इस तरह भी सर्च कर सकते हो, @शत्रुघ्न225 चेक करेंगे तो मेरा चैनल शो हो जाएगा। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अभी जो मैच हुआ था दोस्तों, यहाँ पर EBC वुमेंस वर्सेस यहाँ पर MSC वुमेंस के बीच में, तो इसका फाइनल टीम मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर दे दिया हूँ। तो इसी प्रकार आपको हर मैच का फाइनल टीम यहाँ पर मिलता है दोस्तों, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों, ये जो मैच होने वाला है, वेन्यू की बात करें तो काटामा ओवल स्पेन में खेला जाएंगे ये मैच। और पिच बैलेंसड रहने वाला दोस्तों, और वेदर की बात करें क्लियर स्काई है, टेम्परेचर 10.1 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। और एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पर 100 रन के नीचे ही यहाँ पर 110 से ज़्यादा रन यहाँ पर नहीं बनने वाला है दोस्तों यहाँ पर। तो अब बात करते हैं यहाँ पर प्लेयर्स की स्टार्ट्स। यहाँ पर दोनों टीम की जो स्क्वाड है, पूरे प्लेयर्स की स्टार्ट्स आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग टीम बनाएंगे। तो दोस्तों, एक बार देख लेना यहाँ पर जो प्लेयर है, डेविड बार है। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर 2 मैच खेले दोस्तों, 2 मैच में 1 मैच में 15 रन बनाए 10 गेंदों पर, और इनको यहाँ पर 2 विकेट मिला। और यहाँ पर 1 रन बनाए 8 गेंदों का सामना, यहाँ पर बॉल ज़्यादा खेले लेकिन यहाँ पर 1 विकेट इनको मिला। उसके बाद जो सेकेंड प्लेयर है दोस्तों, सेकेंड और थर्ड प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर देख लेना आप एक बार। तो यहाँ पर डेविड मार्डक है दोस्तों, पहले ही बॉल पे आउट होंगे, लेकिन यहाँ पर इनके ओवरऑल स्टैट्स में भी ज़्यादा रन नहीं है, 4 मैच में 50 रन, कोई विकेट नहीं है। और वहीं यहाँ पर एडम मैकडेड की बात करें, दूसरे बॉल पे आउट हो गए दोस्तों, 2 गेंदों पे 0 रन बनाए, दूसरे बॉल पे आउट हो गए। लेकिन एक और मैच है दोस्तों, वहाँ पर 42 रन नॉट आउट रहे 28 बॉल पर। तो यहाँ पर एडम मैकडेड एक बैट्समैन है दोस्तों, तो यहाँ पर सेकेंड मैच में अच्छा गेम खेले। उसके बाद इफ्तिकार हुसैन और यहाँ पर जैक हॉल एंड एवान विल्सन की बात करें तो यहाँ पर ये जो दोनों प्लेयर है दोस्तों, अभी तक 2 मैच के लिए इस टीम ने, दोनों मैच में इनको मौका नहीं मिला। इनके ओवरऑल स्टैट्स 8 मैच 44 रन 3 विकेट है, 1 मैच में 8 रन बनाए, कोई विकेट नहीं मिला। वही इफ्तिकार हुसैन की बात करें, लास्ट जो मैच खेले दोस्तों, वहाँ पर 17 रन बनाए 11 बॉल पर, 1 विकेट नहीं है। और यहाँ पर 12 रन बनाए 13 गेंदों पर और 1 विकेट नहीं है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद 7, 8, 9 प्लेयर की बात करें तो एक बार आप देख सकते हो यहाँ पर निग्रह भी दोस्तों, यहाँ पर 7th प्लेयर, 2 रन बनाए नॉट आउट रहे 5 बॉल पे। और यहाँ पर रेन बार की बात करें, 3 रन बनाए 5 बॉल पे, 1 विकेट नहीं, और यहाँ पर 2 विकेट नहीं है। तो 2 मैच के लिए इनको 3 विकेट मिला। उसके बाद एंड्रू ब्रेटन की बात करें तो यहाँ पर 1 रन बनाए 2 बॉल पर, कोई विकेट नहीं मिला। और 1 रन नॉट आउट रहे 5 बॉल पर, कोई विकेट नहीं। इनका ओवरऑल स्टार्ट पर खास नहीं है, 0-0-0 है, तो अब इनको अवॉइड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रेन बार को आप यहाँ पर कन्फर्म करिएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहा है। उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 10, 11, 12 प्लेयर्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रेन मैकबेट है। अगर रेन मैकबेट की बात करें तो यहाँ पर 2 मैच खेले, 2 मैच में 3 विकेट नहीं है, तो यहाँ पर 2 विकेट नहीं है। और यहाँ पर 10 रन बनाए 4 बॉल पे और 1 विकेट नहीं, तो यहाँ पर गेंदबाजी अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद ग्रेम मैकार्टर की बात करें, 1 रन बनाए 4 बॉल पर, 1 विकेट नहीं है। तो 30 रन बनाए 17 बॉल्स पर, कोई विकेट यहाँ पर नहीं मिला। लेकिन 30 रन बनाए 17 बॉल पर, तो यहाँ पर एक अच्छे स्ट्राइक रेट मेंशन किए हैं। उसके बाद साइमन ऑलफेट की बात करें, 1 मैच इनका मौका मिला, दूसरे ही बॉल पर आउट हो गए। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको एक टीम का प्लेइंग 11 आप प्लेयर्स की स्टैट्स मिल गया दोस्तों यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर रॉयल टाइगर्स की क्या रहने वाला है, एक बार देख लीजिएगा। जो पहला और दूसरा प्लेयर की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला प्लेयर है खैबर डेलडार है, 5 रन नॉट आउट रहे 5 बॉल पे। और इनका ओवरऑल स्टार्ट 51 मैच 902 रन 41 विकेट लिए हैं। और वही अभिषेक आहूजा की बात करें, अभी तक 1 भी मैच नहीं खेले, 43 मैच में 972 रन बनाए और 50 विकेट लिए हैं दोस्तों। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेयर की बात करें, इनका स्टार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभिषेक कैटरपल है दोस्तों थर्ड प्लेयर, अगर इनकी बात करें जो लास्ट मैच खेले, 3 रन नॉट आउट रहे 6 बॉल पर, कोई विकेट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर 38 रन बनाए 14 बॉल पर और यहाँ पर 2 विकेट मिले, तो अच्छा गेंदबाजी भी किए हैं और यहाँ पर अच्छा बैटिंग भी किए हैं। उसके बाद सुफियान मोहम्मद अभी तक नहीं खेले, 28 मैच में 392 रन, कोई विकेट नहीं है। जीशान खुकी खेल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट मैच में 17 रन बनाए 20 बॉल पर, थोड़ा बॉल ज़्यादा खेले, 3 बॉल ज़्यादा खेले, लेकिन यहाँ पर 2 विकेट मिला। लेकिन जो पहला मैच है वहाँ पर कमाल की पारी खेले, 54 रन बनाए 19 गेंदों पर और 1 विकेट नहीं। तो अभी दोस्तों इस प्लेयर को आप कन्फर्म कर सकते हो। अब बात करते हैं 6, 7, 8 एंड 9th प्लेयर की दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 6th जो प्लेयर है दोस्तों, अकरमुल्ला
मलिक ज़्यादा है, एक विकेट इनको मिला। इनका ओवरऑल स्टैट देख सकते हो, 48 मैच में 118 रन, 33 विकेट है। मार्क आहूजा अभी तक नहीं खेले दोस्तों, इस टीम का कप्तान भी है, अब खेलने वाले हैं। 41 मैच में 1071 रन, एक विकेट है। हर्ष मंदियान की बात करें, दो मैच खेले, यहाँ पर लास्ट मैच पर 2 विकेट नहीं है, 16 रन बनाए 10 बॉल पर, यहाँ पर 0 विकेट नहीं, लेकिन 1 रन बनाए 2 बॉल पर। उसका बाद अभितेश प्रसार की बात करें, 9 मैच 61 रन, 6 विकेट लिए हैं। उसका बाद बात करते हैं दोस्तों 10 11 12 प्लेयर्स की, तो यहाँ पर जो 10th प्लेयर है दोस्तों रुतराज सावंत है, और इनकी बात करें तो यहाँ पर 1 विकेट और 0 विकेट हैं 2 मैच में। जहीर शफी की बात करें, 27 रन नॉट आउट 10 बॉल पे, 2 रन 4 बॉल पे। स्टैन आहूजा की बात करें, 19 रन नॉट आउट 16 गेंदों पर और 4 रन 7 बॉल पर। उसके बाद यहाँ पर 13 और 14 प्लेयर्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विघ्नेश्वरन जयरामन और यहाँ पर अर्सलन बसारत है, तो यहाँ पर 0 विकेट और 0 विकेट है दोस्तों यहाँ पर। और गेंदबाजी में यहाँ पर अर्सलन बसारत में 1 विकेट और 0 विकेट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम की जो स्क्वाड है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे प्लेयर्स की स्टार्ट्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए दोस्तों आप फाइनल टीम बनाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर फाइनल टीम आपको एकदम लाइव बनने वाला है। तो यहाँ पर विकेट कीपर कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा डी बार पे जाइएगा, ये बेस्ट प्लेयर है आपको। उसका बाद यहाँ पर आपको बैट्समैन पे, तो यहाँ पर बैट्समैन पे यहाँ पर हर्ष मंदियान आपको बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। आई हुसैन, इफ्तिकार हुसैन, एस जाहिर पे जाइए। उसका बाद आपको एक और प्लेयर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैकडेड एक अच्छा प्लेयर है, आप इनको ले सकते हो। और यहाँ पर मार्क आहूजा, तो ये लास्ट मैच से नहीं खेल रहे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इनको आप कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर ही मैं 3 बैट्समैन जा सकता हूँ, नहीं तो जाहिर को कैंसिल करके आप यहाँ पर मैकडेड पे जाइएगा। उसके बाद आप बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कैप्टन सॉरी ऑलराउंडर्स पे, तो यहाँ पर मैं जेड खान को मैं पिक कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, फिर आर बार को ले रहा हूँ। उसके बाद आप चाहे तो बसारत नहीं तो विजय रामन को ले सकते हो यहाँ पर, जय रामन को, तो यहाँ पर बसारत को मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में, तो गेंदबाजी में हम लोग यहाँ पर 4 गेंदबाज के साथ जाने वाले हैं। अभिषेक कैटरपाल है दोस्तों, मैकबैट है, दोनों अच्छे गेंदबाजी किए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैककार्टर है दोस्तों, यहाँ पर इनको भी आपको पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मलिक ज़्यादा है, आर सावंत है और रेनॉल्ड्स हैं, तो यहाँ पर आपको मैं बात करूँ तो यहाँ पर सावंत पर आप जाइए, एक अच्छे ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन पे यहाँ पर जेड खान आपको बेस्ट ऑप्शन होने वाला है कैप्टन के लिए। अगर वाइस कैप्टन के लिए बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अभिषेक कैटरपाल अच्छे बैटिंग भी किए हैं और अच्छे बॉलिंग भी किए हैं, तो इनको ले सकते हैं, नहीं तो डी बार को आप ले सकते हो, नहीं तो हर्ष मंदियान है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों अभिषेक कैटरपाल पे जा रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन पे। तो दोस्तों एक बार टीम आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं विकेट कीपर पे डी बार को मैंने पिक किया। अगर बैट्समैन की बात करें तो आप देख लीजिएगा, हर्ष मंदियान, ए मैकडर, आई हुसैन है, और यहाँ पर ऑलराउंडर्स में जेड खान, आर बार, ए बसारत है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में देख सकते हैं, आर सावंत है दोस्तों, मैकबैट है, अभिषेक कैटरपाल और जी मैककार्टर है। तो दोस्तों यहाँ पर कैप्टन पे देखा जाए तो मैं यहाँ पर कैप्टन पे यहाँ पर अभिषेक कैटरपाल को ले रहा हूँ, और वाइस कैप्टन पे सॉरी वाइस कैप्टन अभिषेक कैटरपाल है, और यहाँ पर कैप्टन पे जेड खान को मैं पिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक बात समझ लेना, ये मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, जो फाइनल टीम होगा आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो ये फाइनल टीम आप समझ सकते हो, लेकिन कब, अगर इसमें एक भी प्लेयर मिस नहीं हुआ तो आप इसको फाइनल टीम समझ के डायरेक्ट जाके खेल सकते हो, क्योंकि मैं पूरे प्लेयर्स के स्टार्ट्स को देख के उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को मैंने पिक किया। लेकिन लास्ट मोमेंट में अगर लाइनअप अनाउंस होने के बाद अगर कोई भी प्लेयर मिस होता है तो टेलीग्राम पर आपको मैं फाइनल टीम दे दूंगा। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना दोस्तों, आपको यहीं पर फाइनल टीम मिलने वाला है। तो दोस्तों यही है पूरी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।